मानव तस्करी का एक बड़ा मामला सामने आया है। पहले एक नाबालिग युवती को बेचा गया और उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म कराया गया। इस मामले में पुलिस ने भी पीड़ित नाबालिग को थाने से भगा दिया। बाद में पुलिस अधीक्षक के हस्तक्षेप के बाद दोषियों को पकड़ा गया। छतरपुर में मानव तस्करी के आरोप में पुलिस ने दो महिलाओं सहित दो युवकों को गिरफ्तार किया है। एसपी को नाबालिग युवती ने फोन पर जानकारी दी थी कि उसे झारखंड के धनबाद से एक व्यक्ति काम दिलाने के नाम पर छतरपुर लाया और उसे किसी महिला को बेच दिया। उस महिला ने उसके साथ छतरपुर में रेप करवाया और फिर नौगांव के एक व्यक्ति के हवाले कर उसने भी उसके साथ जबरदस्ती रेप किया। जब वो व्यक्ति के चुंगल से छूटी और कोतवाली थाने पहुंची, लेकिन पुलिस ने उसे थाने से भगा दिया। जिस पर एसपी को जानकारी लगते ही एसपी ने सिविल लाइन्स थाना पुलिस और सीएसपी को आदेश दिया कि पीड़िता की शिकायत पर तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। ये बीते कुछ दिन पहले पुलिस को जानकारी मिली कि एक पीड़िता बालिका को धनबाद झारखंड से लाके यहाँ पे खरीदा बेचा गया है, जिसके संबंध में तफ्तीश करके पुलिस ने नाबालिग पीड़िता को दस्तयाब किया है, उसका रेस्क्यू किया गया और जिन लोगों ने उसे बेचा था और जिन्होंने खरीदा था, ऐसे दो महिलाओं और दो पुरुषों के ऊपर पुलिस ने अपराध दर्ज किया है। अपराध आईपीसी की धारा 376, 506, 370 के अंतर्गत दर्ज किया गया है और पुलिस अग्रिम कार्रवाई कर रही है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।